अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चीज़ लोडेड बर्गर, जिसके पेटी के अंदर हम चीज़ जो है इसमें फिलिंग करेंगे, और जो है इसका जब हम कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ हमारी कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट होकर निकलेगी, जिसका नाम है चीज़ लोडेड बर्गर। तो चलिए आइए देखते हैं चीज़ लोडेड बर्गर के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास है बर्गर बन, अगर आपके पास नहीं है आप ब्रेड यूज़ कर लें। और मेरे पास है यहाँ 750 ग्राम चिकन का कीमा, जिसको मैंने मशीन में एक दफ़ा चॉप करके निकाल रही है, बिल्कुल बारीक हो गया ये। और इसी के साथ मेरे पास है मिक्स हर्ब 1/2 टीस्पून और 2 टेबल स्पून मेयोनीज है। और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। और 1 टीस्पून मेरे पास जो है ये रेड चिली पाउडर है, थोड़े से इसमें फ्लेक्स भी डाले मैंने। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास सब। और ये जेलोपिनो यूज़ करेंगे, मोज़रेला चीज़ के साथ हम जेलोपिनो को जो है इसमें फिलिंग करेंगे। और यहाँ पे जो है हम जो है सबसे पहले पेटी बना के तैयार करके इसको फ्रीज करके रख देंगे, ताकि जो हमारे पेटी अच्छे से इसमें सेट हो जाएँ, जब हम इसकी कोटिंग करें तो ये जो है टूटे या बिखरे नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, और साथ ही इसमें हम डालेंगे मेयोनीज से जो है हमारे पेटी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे, ये जो है सख्त नहीं होंगे और रूखे रूखे से नहीं लगेंगे। मेयोनीज इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप ज़रूर मेयोनीज यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने कीमा अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे जो है पेटी बनाने स्टार्ट करेंगे। और इसका डबल पेटी बनेगा, एक पेटी बना लिया पहले हमने, इसमें जेलेपिनो रखेंगे, आप दो भी रख सकते हैं जेलेपिनो। और यहाँ पे फिर जो है मोज़रेला चीज़ का क्यूब रखेंगे, और साथ ही दूसरा पेटी जो है इसके साथ बना के ये हमारा डबल पेटी हो जाएगा, आप समझे। ये देखें, और इसको जो है अंदर फिल कर देंगे इसके मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं है आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से सारे पेटी बना के तैयार करके इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। अब इसको जो मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे दूसरी प्रिपरेशन सॉस की करेंगे। यहाँ मेरे पास 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है, 3 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस, 1/2 कप मेयोनीज, 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और यहाँ मेरे पास कुछ जेलेपिनो है, जिसको कट करके हम सॉस में प्रेप करेंगे। और ये एक बोतल ले ली मैंने, तो अब सबसे पहले इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे, साथ ही बारबेक्यू सॉस और 1/2 कप मेयोनीज यूज़ करेंगे। और ये जो है सारे मसाले आप इसमें प्रेप करके इसको रख देंगे, ताकि जब हम बर्गर असेंबल करें तो हमारी सब चीज़ें तैयार हों। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सॉस हमारी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, अच्छे से प्रेप हो जाएगी, तब हम इसको बोतल में भर के साइड करके रख देंगे, बाकी तैयारी करेंगे। और ये सॉस जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बारबेक्यू सॉस का इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, बारबेक्यू सॉस लाजमी यूज़ करिएगा। और यहाँ पे जो है अब थर्ड प्रिपरेशन है, और ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, जिसको मैंने साइड कर दिया है, साथ ही हम कोटिंग का अज्जा इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारे पास है मैदा 4 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, आप फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं जो है 4 टेबल स्पून पानी के साथ इसका जो है एक मिक्सचर घोल तैयार कर लूँगी, ताकि जो हम इसमें अपने पेटी को डिप करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके जो है फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और इसको ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि फिर पेटी पर जो है एक मोटी सी तेज जम जाएगी, इसलिए हम जो है इसको 4 टेबल स्पून पानी के साथ जो है हल्का हल्का पानी डाल के हम इसको कोटिंग इसकी तैयार कर लेंगे। साथ ही मेरे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स, और यहाँ मैंने जो है कुछ सलाद पत्ते लिए हैं, और मैंने जो है एक टमाटर बड़ा लार्ज साइज़ का जो है इसको गोल कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है प्याज, खीरा और बर्गर बन। और बर्गर बन को पहले हम टोस्टेड करेंगे, पहले हम जो है अपनी पेटी को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैं जो है मैदे के कोटिंग में इसको डिप करूँगी, और साथ ही जो है फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से कोट करेंगे, ताकि जो है हमारी चीज़ जो है वो बाहर ना आ जाए फ्राई करते हुए। और इसकी जो है फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे जो है चीज़ मेल्ट होकर बाहर आनी शुरू हो जाएगी पेटी से, और ये अंदर से पकेंगे भी नहीं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक क्रेप पैन, आप फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको जो है अब हम फ्राई कर लेंगे सारे पेटीज़ को जो है। और फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे, ताकि जो है हमारी
चीज़ इसमें से मेल्ट होके बाहर ना आए। और यहाँ मैंने ले लिया थोड़ा सा मक्खन, और अब जो है मैं इसको बर्गर बन को हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको टोस्ट कर सकते हैं, टोस्ट करने से इसकी बहुत एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी बटर के साथ। और अब चीज़ हमारी रेडी है। अब हम जो है बर्गर बन पे पहले सॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम सलाद पत्ता रखेंगे। आप आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक एक करके बर्गर को तैयार करते जाएंगे। और यहाँ मैंने रख दिया पेटी, और साथ ही अब इसमें डालेंगे हम दूसरे बन में भी, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया है, पहले सॉस फिर सलाद पत्ते पे, और फिर जो है पेटी रखेंगे, और जो है फिर हम प्याज की रिंग्स रखेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे रख दिया स्लाइस टमाटर, क्यूकम्बर, और इसके ऊपर से हम सॉस डालेंगे दोबारा से, फिर इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे अपने बन का। और यहाँ पे मैंने डाल दिया सॉस, आप इसकी जगह केचप यूज़ कर सकते हैं, पर सॉस से इसका बहुत अलग ही टेस्ट आएगा। और मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाऊंगी, आप इसमें से देखेंगे कि इसमें चीज़ हमारी कितने अच्छे से मेल्टेड होके निकलेगी। इसीलिए इसका नाम चीज़ लोडेड बर्गर है। इसकी पेटी भी डबल तैयार होती है, इसकी आम बर्गर से डबल इसकी पेटी है। और ये देखें चीज़ हमारा कितने अच्छे से अंदर से मेल्ट होके निकल रहा है। चीज़ लोडेड बर्गर है, आप ये देखें कितना मज़ेदार, कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।